हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सनराइज चैनल रिएक्शन। उम्मीद करते सब लोग हमारे द्वारा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी जिंदगी मुझे बन रहे। तो आज इस वीडियो में रिएक्शन करने वाले हैं। यार यार यार, बहुत ही मजे की वीडियो होगी, मेरी फेवरेट वीडियो होगी जी। क्या भला, टाइटल तो पढ़ लिया होगा। मुझे इतने पसंद है इंडिया वालों के ये जो छोले कुलचे आप लोग बनाते हो, मैं तो जब भी फेसबुक अपनी ऑन करती हूँ ना, मेरा तो यही होता है कि जल्दी से कोई इंडिया वालों के छोले कुलचों की कोई वीडियो आ जाए। और जब आती है तो मैं उसको इतने गौर से देखती हूँ ना। आज ये मेरे सामने वीडियो आ गई है और मैं इसको देखने के लिए बहुत बेताब हूँ जी। तो चलिए इसका जल्दी से टाइटल पढ़कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टाइम वेस्ट किए बगैर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, मेरे साथ को लाइक करना, शेयर भी करते रहेंगे। और सिर्फ लाइक करना, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगती है, वीडियो कैसा लगता है जी, शांत जल्दी से पढ़े। ये है जी इंडिया बेस्ट तड़के वाले छोले कुलचे एंड फेमस मायापुरी छोले कुलचे वाला दिल्ली स्ट्रीट फूड। ये दिल्ली के स्ट्रीट फूड के लो जी, तो होने वाले हमें बहुत पसंद है। यकीन करें, कभी खाए नहीं है, देखते ही रहते हैं वीडियो और होते ही बहुत सस्ते हैं कुलचे और छोले। तो मेकिंग देखते हैं और देखते हैं कितना स्वाद है जी। तो चले जी, लेट्स गो। पूरे दिल्ली क्या पूरे इंडिया में ये बहुत ही फेमस है। आप कहीं से भी सुन लोगे कि छोले कुलचे कहाँ के फेमस है, तो आपको लोग बता देंगे कि मायापुरी के छोले कुलचे आपको कहीं नहीं मिलने वाले। अब ये इनका सबसे यूनिक स्टाइल है, ये कुलचों को एकदम भर देते हैं इसके ऊपर, तड़के के ऊपर पूरा भर देंगे ये। अब कुलचों की क्वांटिटी देखना, अब यहाँ पे ये मसालों को एकदम एब्जॉर्ब कर लेंगे इसको। ये देख सकते आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो आज हम आ गए हैं इंडिया के सबसे फेमस छोले कुलचे की शॉप पे, जिसका नाम है मायापुरी छोले कुलचे। तो यहाँ के छोले कुलचे बहुत ही फेमस है और इनका बनाने का स्टाइल बहुत ही यूनिक है और बहुत ही तड़केदार है। कि स्पेशल बात ये है कि इनके छोले और कुलचे दोनों में तड़का लगता है, वो भी टमाटर और प्याज का, बहुत ही बढ़िया वाला। तो मैं चलता हूँ और टेस्ट करता हूँ यहाँ के छोले कुलचे। तो जैसा कि देख सकते हो आप, ये बटर में प्याज को तड़का लगा रहे हैं और अब ये डल रहे हैं यहाँ पे टमाटर। तो अब ये छोलों को तड़का लगने वाला है। ये इंडिया के सबसे बेस्ट छोले कुलचे हैं जो कि मायापुरी में आपको मिल जाएंगे। तो आप क्वांटिटी देख सकते हो, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे छोले कुलचे बनते हैं। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा शुरू से एंड तक। छोले में तैयार कर रहा हूँ, छोले जो बना रहा हूँ। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? तो काफ़ी टाइम हो गया। कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। अच्छा, 17 साल हो गए। रेडी को तो हो गए 30 साल हो गए। अच्छा, रेडी को 30 साल हो गए। अब शॉप ले लिया आपने यहाँ पे? शॉप को तो 2 महीने हुए हैं, अभी अभी नहीं है। अच्छा, शॉप नहीं ली अभी, 2 महीने हो गए इसको। हाँ, ये डाल दी उन्होंने हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया, लाल मिर्च और ये क्या गरम मसाला। और ये कसूरी मेथी डाल दी ऊपर से इन्होंने। तो काफ़ी नाम सुना है इस जगह का और देखते हैं आज यहाँ पे आके कि इनके छोले और कुलचे कैसे होते हैं टेस्ट में। दोनों में ये स्पेशल तड़का लगाते हैं ये, बहुत ही बढ़िया करके। भैया क्या डाल रहे हो? अदरक होता है और मसाले भी होते हैं। अच्छा, अदरक और थोड़े बहुत मसाले। और ये पानी डाला भी आपने? यही तो है। अच्छा, तो ये अदरक मसाले का इन्होंने पानी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिला रहे हैं। इनकी स्पीड देख सकते हो, इनको बहुत स्पीड से काम करना पड़ता है और ये बहुत जल्दी इनको काफ़ी लोगों को सर्व करना पड़ता है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है, 5-5 मिनट में यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है। और ये छोले डल गए इस पर। फिर ये जो पूरा तवा है ये पूरा भर चुका है छोलों से और बहुत ही बेहतरीन तड़का लगा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये इन्होंने डाल दिया बटर ऊपर से, तो बटर की क्वांटिटी देख सकते हो आप। और कसूरी मेथी स्पेशल है इनकी। तो
तो ये छोले रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसको ये अच्छे से मसालों में भी पका लेंगे इसको बढ़िया से। बहुत ही बेहतरीन तड़का लग चुका है यहाँ पे प्याज टमाटर का, और ऊपर से इन्होंने कसूरी मेथी डाल दी है और बटर डाल दिया है। तो छोले यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अब ये इसको अपने कंटेनर में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे कुलचों का तड़का लगेगा, वो देखना आप। तो अब ये तड़का लगने जा रहा है इनके कुलचों को, तो प्याज की क्वांटिटी देख सकते हो कितनी ज़्यादा इन्होंने डाल दी है, प्याज पूरा भर दिया है इसमें तवे पे। और ये डल गया इसमें बटर, और अब डलने जा रहे हैं यहाँ पे टमाटर। तो बहुत ही फेमस तड़का है ये कुलचों का, यहाँ पे बहुत ही स्पेशल ये तड़का लगाते हैं और काफ़ी फेमस है। तो अगर आपने ऐसा कहीं और देखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बट मुझे नहीं लगता ये ऐसा कहीं और बनता है। ये क्वांटिटी देखो आप प्याज की, तो टमाटर देखो कैसे डल रहा है एकदम भर भर के इन्होंने टमाटर डाल दिया है, प्याज पूरा एकदम तवे पे फैला दिया पूरा। और ये डल गई है यहाँ पे हरी मिर्च, ये डल गया फिर नमक, और ये लाल मिर्च, और ये गरम मसाला। तो सेम ही तड़का इनका जो ये छोलों को लगाते हैं, सेम टू सेम कुलचों को लगाते हैं, बट कुलचों में ये प्याज ज़्यादा रखते हैं, प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, एकदम तवा भर के प्याज डालते हैं ये, और ये कसूरी मेथी ऊपर से डाल दी है। तो भैया ऐसी क्या स्पेशल बात है आपके कुलचों में जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं? वो तो आप खाओगे जब ही आपको पता लगेगा। अच्छा, खा के पता चलेगा ये। तो भैया एकदम कॉन्फिडेंट है अपने छोले कुलचों को लेके। बहुत ही बढ़िया तड़का लग रहा है, इसमें मिर्ची इन्होंने बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी में डाल दी है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है देखने में ये, और बहुत ही एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। तो इन्होंने अच्छे से मिक्स कर दिया इसको, प्याज तड़के के मिक्सचर को एकदम अच्छे से लगा दिया इसको। तो अगर आप मायापुरी आ रहे हो तो यहाँ के छोले कुलचे ज़रूर ट्राई करना, पूरे दिल्ली क्या पूरे इंडिया में ये बहुत ही फेमस है। आप कहीं से भी सुन लोगे कि छोले कुलचे कहाँ के फेमस है तो आपको लोग बता देंगे कि मायापुरी के छोले कुलचे आपको कहीं नहीं मिलने वाले। अब ये इनका सबसे यूनिक स्टाइल है, ये कुलचों को एकदम भर देते हैं इसके ऊपर, तड़के के ऊपर पूरा भर देंगे ये। अब कुलचों की क्वांटिटी देखना अब यहाँ पे, ये एकदम मसालों को एकदम एब्जॉर्ब कर लेंगे इसको। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसा नज़ारा आपने पहले कहीं देखा है या नहीं। तो ये पूरा जो तवा है ये पूरा कवर हो चुका है कुलचों से, वो
भैया एक प्लेट का प्राइस क्या है यहाँ पे? 60 रुपये। तो 60 रुपये इसका प्राइस है और तड़के से बने हुए आपको कुलचे मिल जाएंगे यहाँ पे। छोले से भाई ये देख सकते हो आप, एकदम बढ़िया से एकदम मसालों में मिक्स हो चुके हैं ये कुलचे। अभी वही नहीं है, वही नहीं है, ऊपर ऊपर से थोड़ा। अब ये जब ये प्लेट लगाएंगे तब देखना आप कैसे मिक्स करके ही देते हैं। ये देख सकते आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। बोले नहीं है अच्छा, तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे कुलचे लगने जा रहे हैं। ये देखो ये इनका कुलचे लगाने का स्टाइल, ये इंडिया का सबसे फेमस स्टाइल कुलचे लगाने का इनका। ये देखो एकदम पूरे प्याज टमाटर एकदम ग्रेवी पूरी अंदर डाल दिए। तो यही चीज़ें जो लोग दूर दूर से टेस्ट करने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये है भैया का यूनिक स्टाइल। तो इनके पास एक मिनट का भी टाइम नहीं होता फ्री रहने का, ये कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। तो भैया यहाँ की टाइमिंग क्या आपके यहाँ की? 12 बजे के, 12 बजे से 7 बजे तक शाम के। अच्छा, शाम के 7 बजे तक कोई छुट्टी नहीं है? ठीक है, हफ्ते में के 7 दिन पूरा। और आप एक बार लोकेशन बता दोगे? लोकेशन यहाँ पे गुलाब हाउस रिगालिया बैंकट नियर में, CF 142 फेज 2 मायापुरी। ठीक है, लोकेशन बता दी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वैसे भी अगर आप पूछो किसी से मायापुरी के स्पेशल छोले कुलचे कहाँ लगते हैं, तो आपको एड्रेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर कोई आपको इसका एड्रेस बता देगा। गूगल पे डाल रखा है, गूगल पे डाल, इसका एड्रेस आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आके छोले कुलचे ट्राई कर सकते हो, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ के छोले कुलचे लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप इनके छोले लग रहे हैं यहाँ पे, और ये कुलचे इन्होंने पैक करके रखे हुए हैं, साथ में ये थोड़ा सा नींबू डालते हैं। आजकल इन्होंने प्लेट बंद रखी है, पैक करके फॉइल में दे देते हैं ये। तो आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पे, एकदम भीड़ लगी पड़ी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, और जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही और लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी रश हो रहा है यहाँ पे। तो भैया मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। छोले कुलचे लग चुके हैं, अब मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा कि टेस्ट में कैसे हैं ये। तो फाइनली मेरी प्लेट लग चुके हैं यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे इन्होंने कैसे लगाए हैं ये। तो पहले ये प्लेट में देते थे, बट अब इन्होंने फॉइल सिस्टम कर दिया है यहाँ पे, और इन्होंने मुझे 3 कुलचे दिए हैं जिसमें इन्होंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च का तड़का लगाया है, ऊपर से एक नींबू दिया मुझे। तो इनकी स्पेशल खास बात ये है कि ये अपने कुलचों को भी बहुत अच्छे से तड़का लगाते हैं, और प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और सेम ये इनके छोले, और इसमें ये टमाटर प्याज का तड़का लगाते हैं, बस इसमें थोड़ा प्याज की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। तो मैं टेस्ट करता हूँ यहाँ के छोले कुलचे। तो आप देख सकते हो कितने बटरी है ये। तो कुलचों को बहुत ही अच्छे से मसालों में फ्राई किए हुए हैं, और प्याज मैं थोड़ा सा लूँगा इसके साथ। तो ये है स्पेशल छोले। कुलचे बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही अच्छे से मसालों में मिक्स किया हुआ है इसको, एक एक मसाले का फ्लेवर आ रहा है। प्याज का तड़का बहुत ही अच्छे से लगाया हुआ है इन्होंने, और जो इनके छोले हैं वो काफ़ी स्पाइसी है, और अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो आपको इनके छोले बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आप भी मायापुरी आ रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि यहाँ के छोले कुलचे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसा तड़का लगते हुए मैंने कहीं और नहीं देखा है, इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में और इतने बढ़िया तरीके से। तो अब मैं फटाफट से इसको फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओहो हो,
यार ये तो मैं इतनी दफा ही वीडियो देख चुकी हूँ फेसबुक पे, मैं कहती हूँ मेरा दिल ही भरता है इसको देख के, बहुत मजे की मेकिंग है इसके। अच्छा, कुलचे जो होते हैं ना गोल से होते हैं हमारे इधर ना, लेकिन यहाँ पे इनके लंबे होते हैं और ये ना कुलचे कैसे देखा तुमने होते भी है, उसने लगाई है पूरी डेरिया लगाई, इतना चना डालते है की एक भी चीज नीचे नहीं गिरती है। हाँ चलो तो मैंने देखा ये देखिए उसके ऊपर वो देखिए प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, सब्जियां छिड़कते रहते कुलचों को भी उन्होंने मसाले में सही लपेट के भिखो के नरम करके गर्म, यार ये मैंने लाजमी खाना जो मैंने। और अच्छा ये देखिए हमारे यहाँ पे आइसक्रीम खाने वाला जो चम्मच होता है उसके साथ खाने के लिए देते हैं, चले नहीं खाओ बाद में जो जैम हो गया उसके साथ खाओ। यार मुझे बहुत क्रेविंग है इस चीज की कि मैं इसको जल्दी से जाकर ट्राई करूंगी, और मैं जब भी आई ना तो आप लोगों ने जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा ना वो ये वाला कराना, बाहर ले जाके ऐसे हम लोग भी खड़े होके खाने वहाँ सारा दिन चलते हैं। यहाँ पे जो है ना सिर्फ सुबह के टाइम संडे वाले दिन ज्यादा होते हैं क्योंकि या हलवा पूरी होती है वो थोड़ी देर तरह ज्यादा चलती होती है 12-1 बजे तक, वरना तो सुबह सुबह ही नाश्ता जो होता है ना फ्रेश खाने वाला तो खत्म हो जाता है। चले तो चले आज की वीडियो दिल्ली की मजे की थी यार, तो चले आज की वीडियो करते हैं यहीं पे, मैं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में तब तक बहुत सारा ध्यान रखना, करे दुआ में यार। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।